वेलकम एवरीवन टू अ न्यू वीडियो ऑफ मैजिक स्मार्ट होम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैजिक स्मार्ट होम्स कैमराज आपको डायरेक्टली आप स्ट्रीम कर सकते हैं अपने फ़ोन पर एंड आपको किसी भी DVR किसी भी सेटअप की जरूरत नहीं है, आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। इन कैमरों में वाईफाई की जरूरत होती है। आज हम आपके लिए एक नया कैमरा लेकर आए हैं और इस कैमरे में उस वाईफाई की भी जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल सिम इंसर्ट करके नॉर्मल प्लान लेके इस कैमरे को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप बस पावर में प्लग कीजिए, किसी भी खेत में कहीं भी बाहर आउटडोर आप इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे फीचर्स जो हमारे पैंटिल जूम रेंज में PTZ रेंज जिसे कहते हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं, बल्कि सुपीरियर क्वालिटी के साथ पैंटिल जूम, नाइट विजन और ये देखिए वार्म LEDs भी हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इस क्या क्या बॉक्स के अंदर है, क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं, कैसे यूज़ करना है और हम बहुत कुछ लाइव करके देखेंगे इस कैमरे के साथ। सो लेट्स जंप राइट इन। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि क्या क्या इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल आपको इसका देखने को मिलेगा। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन कैमरे की जो मैं वीडियो में बताऊंगा वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और एक स्क्रू का पैकेट इसका आपको देखने को मिलेगा इस कैमरे को वॉल पे माउंट करने के लिए। और सेकंड अपना एक अडेप्टर आपको इसका देखने को मिलेगा कैमरे को ऑन करने के लिए, कैमरे को पावर देने के लिए, ब्लैक कलर में है। और एक कैमरा है हमारा येरा जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर में मैजिक 4G PTDR कैमरा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और सब ये सब चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इसके बॉक्स के अंदर। तो कैमरे की क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिकली क्या है, ये एक 4G सिम कैमरा है, ऑल सिम सपोर्टेड ये कैमरा है और 128GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट है। क्योंकि वाईफाई जो कैमरेज होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको राउटर खरीदना पड़ता है, बेसिकली क्या है वे उसी की वजह से आप कहीं से भी उन्हें देख सकते हैं। पर ये जो सिम कैमरा है इसके अंदर बस 200 से 300 रुपये की सिम लगेगी और कहीं से भी देखिए, कोई ज़रूरत नहीं कि 2 से 3 हज़ार रुपये का राउटर लाए वगैरह ये सब चीज़। तो केबल्स मैं आपको बताऊं तो 3 केबल्स इसके आपको देखने को मिलेगी, एक रीसेट बटन केबल, एक लैन पोर्ट केबल और एक 12 वोल्ट का DC जैक आपको इसका देखने को मिलेगा। देन नीचे की तरफ आपको स्क्रू होस देखने को मिलेंगे, जो स्क्रू है वो यहाँ पर ऐड होंगे जिससे की वजह से ये वॉल पर माउंट होगा। देन 2 एंटीनास इसके आपको देखने को मिलेंगे जो इसकी नेटवर्क की स्पीड को और भी ज़्यादा बेटर कर देते हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो और क्या क्या हैं इसकी क्वालिटीज़, तो सामने की तरफ 12 LEDs आपको इसकी देखने को मिलेगी, एक माइक और एक सेंसर। जो 12 LEDs है बेसिकली क्या है, इसे नाइट विज़न अच्छे से अच्छा दिखाने में आपकी हेल्प करता है। एक माइक्रोफोन, एक सेंसर आपको इसका देखने को मिलेगा और एक सामने की तरफ इसका 5MP कैमरा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। नीचे की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को दिखाई देगा। देखिए मैं इसे सिंपली ओपन कर देता हूँ, क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का कवर दिख रहा है सिंपली इसको ओपन कर देना कुछ इस तरह से। और ये रहा एक मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 128GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है कैमरा। और इसके नीचे की तरफ आपको एक सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा जो कि कवर अप है, क्योंकि ये आउटडोर कैमरा है, बेसिकली बारिश धूप जो भी पड़ती है जिसकी वजह से जिसका सिम कार्ड स्लॉट है वो कवर अप आता है। पीछे की तरफ आपको एक डिवाइस ID आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी इसका ऐप जो है V380 उससे कन्फिगर करने में। और मैं आपको दिखा दूँ और क्या, तो पीछे की तरफ आपको इसका स्पीकर देखने को मिलेगा और इसके अंदर माइक भी है, स्पीकर भी है, 2 वे इंटरकॉम है इस कैमरे के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो सिम कार्ड स्लॉट है वो ओपन करके दिखाता हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर से सिंपली क्या करना है, स्क्रू ओपन कर लेने हैं। पहले ये वाला करता हूँ मैं और दूसरा ये, देन मैंने इसका कवर ओपन कर दिया। तो ये रहा सिम का स्लॉट जो कि ऑल सिम सपोर्टेड ये कैमरा है, कोई भी सिम आप इसमें लगाइए बिना किसी परेशानी के, सारी सिम से इसमें आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा के साथ दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको लगाना है। सिंपली पहले मैं इसके कवर को रख देता हूँ और एक मेमोरी कार्ड लाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है। सिंपली पहले क्या करिए, एक इसका कवर को ओपन कीजिए और सिम कार्ड कुछ जो मेमोरी कार्ड है सबसे पहले मेमोरी कार्ड लगा के देखते हैं। तो मेमोरी कार्ड कुछ इस तरह आपको लगा देना है और आगे की तरफ आपको पुश करना है और देन एक क्लिक की साउंड आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो सेट हो गया है। देन ऐसे लगाइए और एक थोड़ा सा प्रेस कीजिए जिससे हमें पता लग गया, क्लिक की साउंड आई जिससे हमें पता लग गया कि सिम जो मेमोरी कार्ड है वो इसके अंदर सेट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप अपना सिम इसके अंदर लगा देते हैं, ये रहा सिम कार्ड स्लॉट।
तो मेरे पास एक जियो का सिम कार्ड है, आप कोई सा भी सिम कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं। प्रेस कीजिए, क्लिक की साउंड आई जिससे हमें पता लग गया कि सिम कार्ड इसके अंदर सेट हो चुका है। तो हमने इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा दी है और सिम कार्ड भी दोनों इसके अंदर लगा दिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके स्क्रू को करके स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू करके और फिर इसको इसके ऐप से V380 Pro जो ऐप है इसका उससे कॉन्फ़िगर करके मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। तो स्क्रू मैंने कर दिए हैं इसके कैमरे, तो कैमरा हमारा प्रॉपरली एकदम अच्छी तरह रेडी हो चुका है कॉन्फ़िगर होने के लिए। तो सबसे पहले अपने कैमरे को अडैप्टर से कनेक्ट कर लेना है आपको और देन एक इंडिकेटर लाइट शो होगी जिससे आपको पता लग जाएगा कैमरा ऑन हो चुका है। तो अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है V380 Pro, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने को मिलेगा, ट्राई विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और आपको एक प्लस का आइकन शो होगा उस पर क्लिक कीजिए। देन जो भी QR कोड है कैमरे के पीछे वो आपको स्कैन कर लेना है, अगर स्कैन नहीं करे तो आप जो भी डिवाइस ID है कैमरे के पीछे जो भी लिख रही है वो आपको इसके अंदर लिख देनी है, ऐड कर देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ, इसकी जो भी डिवाइस ID है वो मैंने इसके अंदर लिख दिया, कंफर्म कर दीजिए, कोई भी एरिया चूज़ कीजिए और देखिए कैमरा हमारा ऑनलाइन हो चुका है। सेट पासवर्ड इसमें आएगा तो आपको इसके अंदर admin123 ऐड कर देना है और जो एडमिन का A है वो दोनों में कैपिटल लेटर रखेगा और दोनों पासवर्ड सेम रखिएगा दोनों कॉलम में, जो कि ये रहा देखिए। देन कंफर्म कर दीजिए और बहुत ही सिंपल प्रोसेस था कॉन्फ़िगर का इसका और जितने भी कैमरास हैं। देखिए हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो बहुत सारी क्वालिटीज आपको इसके अंदर देखिए, जो वीडियो क्वालिटी है इसकी बहुत ही अच्छी है और जो जितने भी अदर कैमरा है, तो बहुत सारे फंक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं क्या क्या है इसकी क्वालिटी। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी वीडियो क्वालिटी की, जो कि बहुत ही अच्छी है देखिए अदर कैमरे से, क्योंकि कुछ भी लैग नहीं कर रहा, कैमरा एकदम अच्छी तरह चल रहा है। ये डिपेंड करता है आपके जो इसके अंदर आपने सिम जो लगाया उसके नेटवर्क पर, ये डिपेंड करता है कि आपका कैमरा जो है वो कैसे चलता है। इसलिए क्या है, अगर आपके नेटवर्क में थोड़ा बहुत इशू होगा तो आपका कैमरा लैग करने लगेगा, जैसे ऊपर आपको नेटवर्क भी शो हो गए जिससे आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क सही आ रहे हैं कैमरे के अंदर या नहीं आ रहे। तो टू वे इंटरकॉम है, आप बोल भी सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन भी सकते हैं, कैमरे को मूव कर सकते हैं इधर से उधर, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से ही फ़ोन के अंदर से ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट का ऑप्शन है आपका इसके अंदर, फोटो क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन ही है ऐप के अंदर से भी, आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और आपको इसके साइड में रिप्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। मेमोरी कार्ड लगाइए और वो भी आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। इन्वर्जन का ऑप्शन है, लाइट कंट्रोल है, इमेज सेटिंग है, इन्वर्जन में जो भी आप डायरेक्शन में सेट करना चाहे कैमरे को सेट कर सकते हैं और लाइट भी ऐप के अंदर से ही ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है इमेज सेटिंग्स का, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ब्लैक एंड वाइट जो नाइट विजन होता है वो भी आप इसके अंदर से ही चेंज कर सकते हैं, जो कि ये रहा। और ऑटो पे करिए अपना आप ही दूसरे वाले उसमें चेंज हो जाएगा, कलर मोड में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसके देखने को मिलेगा। HD में भी आप इसकी वीडियो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अभी HD में है। और 10x जूम का ऑप्शन भी इसके अंदर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए कितना भी जूम कीजिए कितना भी, और अलार्म का भी ऑप्शन है, सिंपली अलार्म सेट कीजिए और जो भी एक्टिविटी होगी ये आपको अलार्म हेल्प करेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो काफ़ी अच्छा था ये कैमरा, सारी चीज़ सारे फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए, चार कैमरास तक आप इस ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपको इसके ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।